हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 के लिए एक चर वाला द्विघात समीकरण, प्रयोग 40। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तथा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान पी और क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें जो समीकरण दिया है, उस समीकरण से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो समीकरण दिया हुआ है हमें, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। ए बराबर 1, बी बराबर पी और सी बराबर यहाँ पर क्या है, क्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए। तो अब देखिए यहाँ पे बी के जगह पे पी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, अब बी के जगह पे हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे। तो माइनस पी डिवाइडेड बाय ए के जगह पे 1 है, 1 रख देंगे, ठीक है। इसका मान आ गया माइनस पी, क्लियर। अब हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो इसका मान होता है सी डिवाइडेड बाय ए, सी के जगह पे आप बैठा दीजिए क्यू और ए के जगह पे 1 बैठाइए, तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो हमें दो चीज़ मिल गया, एक अल्फा प्लस बीटा मिल गया और एक अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो क्या जो मान हमें निकालने के लिए बोला गया है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान कितना होगा, जो कि पी और क्यू के रूप में निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा पी के रूप में निकला, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी क्यू के रूप में निकला। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो मान निकालने के लिए बोला गया है वो क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर, आप पढ़े होंगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा, ये एक सूत्र है। ये सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए बी और ए प्लस बी। तो इसमें अगर हम इसको बैठा दें तो देखिए इसका मान कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग निकाल के रख लिए हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस पी का होल क्यूब, क्लियर, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह हम निकाल चुके हैं क्यू, और देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे फिर हम यहाँ पे माइनस क्या बैठा देंगे, डॉट यहाँ पे बैठा देंगे माइनस पी। अब देखिए इसको जब हल करते हैं तो आता है माइनस पी क्यू, माइनस माइनस प्लस 3 पी क्यू। अब ये धनात्मक है इसलिए शुरू में ले लेते हैं इसको, 3 पी क्यू माइनस
पी क्यू, ये हमारा जो मान आता है ये अल्फा प्लस बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आता है। इसलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 3PQ माइनस PQ, और यही आपका एक आंसर आ चुका है। लेकिन दूसरा जो हमें निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, वो क्या है और उसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, दूसरा जो हमें निकालने के लिए कहा गया है वो है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा तथा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू, ये निकालने के लिए कहा गया है। अब इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। आगे जब हम पढ़ें तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल के रखे हैं माइनस पी, ठीक है, बैठा दिए, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे हम क्यू बैठाएंगे क्योंकि अल्फा इंटू बीटा हम निकाल करके रखे हुए हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस पी बटे क्यू। इसलिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर पी क्यू के रूप में जो मान आया है वो पी बटे क्यू आया है और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो दोनों मान हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सामने आ गया है प्रयोग 41। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा। तो द्विघात समीकरण रहने के लिए ए को जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा होने से 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब का मान ए बी सी के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए 1 बाय अल्फा क्यूब और 1 बाय बीटा क्यूब में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे हम दोनों निकाल लेते हैं। तो गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, तो इसमें देखिए सारा चीज वही है, ए बराबर ए ही है, बी बराबर बी ही है और सी बराबर सी है, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, है ना। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, इसमें कुछ अलग से नहीं बैठाना पड़ेगा क्योंकि सेम चीज़ है, बी के जगह पे बी बैठाएंगे, सी के जगह पे सी और ए के जगह पे ए, तो वही चीज़ रह जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी बटे ए, तो अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं। अब जो मान निकालने के लिए हमको कह रहा है 1 बटे अल्फा क्यूब प्लस 1 बटे बीटा क्यूब को ए बी सी के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसलिए 1 बटे अल्फा क्यूब प्लस 1 बटे बीटा क्यूब, ठीक है, बराबर एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो इसका आता है अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अब इसको भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो आ जाएगा ऊपर में बीटा क्यूब और प्लस अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब अल्फा क्यूब को अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं, बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब भी कर देंगे तब भी बात एक ही है। अब इसको हमको तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा मान दिया हुआ है, तो इसको हम सूत्र में तोड़ देते हैं।
तो इसका सूत्र आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र है हम लोग जानते हैं। और नीचे है अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब इसका जब मान बैठाएंगे तो देखिए, अब हम मान बैठा सकते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बटे बैठा सकते हैं, माइनस बी बटे ए किसके जगह पे बैठ गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे का होल क्यूब माइनस थ्री। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम सी बटे ए बैठा सकते हैं, सी बटे ए, और फिर यहाँ पर इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे फिर बैठा सकते हैं माइनस बी बटे ए। ठीक है, मान बैठा दिए, और नीचे भी आपको बैठा देना पड़ेगा सी बटे ए यहाँ पे बैठाना पड़ेगा सी बटे ए का होल क्यूब बैठाना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और थ्री बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय सी क्यूब, सी क्यूब और बटे ए क्यूब होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, और अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ऊपर में मिल जाता है ए क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस, अब ए क्यूब ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ए क्यूब में तो ए आएगा, तो आएगा थ्री ए बी सी, थ्री ए बी सी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ गया हमारा सी क्यूब बटे ए क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी डिवाइडेड बाय ए क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब मिलेंगे, ए क्यूब और ए क्यूब को काट दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अगर हम सजा के लिखें तो थ्री ए बी सी को पहले लिख सकते हैं और बी क्यूब को बाद में लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय सी क्यूब, तो ये निकल के आ गया थ्री ए बी सी, ए बी सी थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब, और यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है कि हमें जो मान निकालने के लिए कहा गया था उसका मान ये प्राप्त हुआ है, थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। क्लियर है, तो हमें ये जो मान मिला है वो किसका मिला है, तो मिला है वन बाय अल्फा क्यूब प्लस वन बाय बीटा क्यूब, जो हमें निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसलिए वन बाय अल्फा क्यूब प्लस वन बाय बीटा क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए प्रयोग 42, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो, द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात करके देखिए कि दोनों मूल थ्री और फोर आता है अथवा नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण को हल करना पड़ेगा,
और समीकरण को हल करके हम देखेंगे कि क्या हमारा मूल 3 और 4 आ रहा है अथवा नहीं आ रहा। और एक तरीका है कि अगर हम मूल दिया हुआ रहे, यदि मूल दिया गया है, यदि मूल दिया गया हो तो द्विघात समीकरण आप कैसे बनाएंगे? का सूत्र क्या होगा? इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर दो मूल दिया हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आप बैठा सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए मूल हमारा क्या क्या है। यहाँ प्रथम मूल अल्फा बराबर कितना दिया है 3, दूसरा मूल बीटा बराबर 4 दिया है। तो क्या ये समीकरण अगर हम इसमें बैठा दें और ये फुलफिल कर दिया इस समीकरण को, तो इसका मतलब 3 और 4 जो है इसी समीकरण का मूल होगा। तो इसलिए द्विघात समीकरण क्या होने वाला है? द्विघात तो इसमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे हम 3 लिखेंगे और प्लस बीटा की जगह पे 4 लिखेंगे इंटू एक्स, और फिर यहाँ पे आया प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 × 4 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए फिर हमें मूल समीकरण जो दिया है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है अल्फा और बीटा जो 3 और 4 दिया हुआ है ये इसी समीकरण का मूल है। अतः 3, 4 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का ही मूल है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें भी क्या आ जाता है, इसका दो मूल अगर 3, 4 आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो भी क्या है कि ये समीकरण का दोनों मूल है। अगर हम सेकेंड मेथड देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इजकल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 12 को अगर तोड़ दें तो 3 प्लस 4, और इसको 12 रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इजकल टू 0, एक्स माइनस 3 इजकल टू 0, और एक्स माइनस 3 × 4 इजकल टू 0। चूँकि एक्स माइनस 3 बराबर 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3 इजकल टू 0, इसलिए एक्स बराबर 3, एक मूल आ गया अल्फा, और दूसरा क्या होगा एक्स प्लस, दूसरा आ गया यहाँ पे
एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, या एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो, इसलिए एक्स बराबर फोर। तो देखिए यहाँ पे दो मूल आया, थ्री आया फोर आया, तो इस समीकरण को हल करने पर इसका मूल थ्री और फोर आ जा रहा है, तो इससे हम जांच कर दिए हैं कि इसका मूल जो है थ्री और फोर ही होगा, ठीक है। अतः अभीष्ट समीकरण का मूल, अभीष्ट द्विघात समीकरण, समीकरण का मूल क्या क्या होगा, थ्री फोर होगा, क्लियर। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए नया क्वेश्चन क्या है आपके बीच, प्रयोग 43। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, तो जिस समीकरण का मूल अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा हो, ठीक है, उस समीकरण को ज्ञात करिए। तो अब देखिए जो नया समीकरण बनेगा उसमें मूल क्या क्या है, उसमें है पहला मूल, यहाँ पे अगर हम देखें गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटे, ठीक है। इस समीकरण से हमें ये मिला अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक ऐसा समीकरण का गठन करना है जिसमें कि अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा दोनों मूल हो, ठीक है। तो अब देखिए नए समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, नए समीकरण के लिए, नए समीकरण के लिए प्रथम मूल बराबर, अब नए समीकरण के लिए प्रथम मूल जो है वो क्या होना चाहिए, अल्फा बटे बीटा, और दूसरा मूल क्या होना चाहिए, बीटा बटे अल्फा। इसलिए अगर मूलों का योग निकालें, इसका नया समीकरण का मूलों का योग अगर निकालेंगे, ठीक है, जिसको कि अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे हम बैठाएंगे क्या, अल्फा बटे बीटा, और प्लस बीटा की जगह पे बैठाएंगे बीटा बटे अल्फा, ठीक है, ये बैठ जाएगा मूलों का योग के जगह पे। और इसको जब थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं कि मूलों का योग कितना आता है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका आ जाता है अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए ये नए समीकरण का अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे जो हमारा पहला वाला समीकरण है उसमें आएगा माइनस बी बटे ए, यहाँ पे रख देंगे माइनस बी बटे ए, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, अब माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा का क्या लिख देंगे सी बटे ए, और डिवाइडेड बाय और अल्फा इंटू बीटा का लिख देंगे सी बटे ए। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है।
इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। ये हम नए समीकरण का अल्फा और प्लस बीटा निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2CA बटे ए, ठीक है, डिवाइड C बटे ए बराबर होगा, अगर ये दोनों का एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस ए, अगर निकल जाएगा तो 2AC हो जाएगा, ठीक है 2AC, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा C बटे ए। इसको जब हम और आगे बढ़ाते हैं तब आता है बी स्क्वायर माइनस 2AC बटे ए स्क्वायर, अब गुना आ जाता है a बटे c, ये काट लेते हैं, एक a आता है, यहाँ पे आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2AC डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया a इंटू सी ए सी, ये किसका मान आ गया है, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया है। तो जब समीकरण हम लोग बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको बैठाना पड़ेगा, ये मान बैठाना पड़ेगा नया समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे निकालते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब देखिए इसका अल्फा है, अल्फा बराबर है अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा बटे अल्फा, ये है अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल। अब यहाँ पे आ जा रहा है वन, इसका मतलब क्या है कि इसलिए अल्फा इंटू बीटा जहाँ पे बैठाने लगेंगे वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नए समीकरण के लिए वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नए समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे ये प्रयोग करेंगे और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब जो अगर नया समीकरण हम बनाने जाएंगे तो नया समीकरण का स्वरूप क्या होगा, तो देखिए नया समीकरण का स्वरूप होगा, इसलिए इसलिए नया समीकरण गठन करने के लिए कहा गया है, तो नया समीकरण का जो सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रखिए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम जो नया समीकरण में हम जो निकाल के लाए हैं, ठीक है, वो देखिए क्या है, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल के लाए बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटे ए सी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर वन लाएँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम उसका मान पुट कर देंगे, रख देंगे, तो यहाँ पे जो मान हम लोग रखेंगे वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमको रख देना पड़ेगा मान बी स्क्वायर माइनस 2AC डिवाइडेड बाय AC, ये काम हो गया। अब प्लस इसके जगह पे तो वन ही रखेंगे बराबर जीरो, अब नया समीकरण बनेगा इससे, या इसको अगर भिन्न का जोड़ कर दें एक ही साथ तो क्या मिलने वाला है, ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी, ए सी निकल जाएगा तो ये जैसे वैसे रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ पे वन है तो क्या हो जाएगा, वन ए सी हो जाएगा बराबर जीरो। अब अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ए सी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी
इंटू एक्स प्लस ए सी बराबर जीरो, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा समीकरण निकल के आया ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स प्लस ए सी इजकल टू जीरो, और यही नया समीकरण का क्या हो गया, गठन हो गया। क्लियर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।